हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मसाला भिंडी रेसिपी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है। यहाँ पर एक बड़ा टमाटर, दो प्याज और हरी मिर्ची को और जिंजर गार्लिक को मैंने ग्राइंड करके ले लिया है। सेंगदाने को भून कर उसका पाउडर बना लिया था। और यहाँ पर एक बाउल में मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और सेंगदाने के पाउडर को 2 चम्मच ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसमें रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी मैंने डाला है। अब इसे मिक्स करके हमें सारी भिंडी के अंदर मसालों को भर लेना है। यहाँ पर मैंने सारी भिंडियों को भरने के बाद पैन में ऑयल डालकर इसे हम फ्राई करके ले लेंगे। अब सारी भिंडियों को हम फ्राई कर लेंगे और जो मैंने मसालों को ग्राइंड किया था, प्याज टमाटर और हरी मिर्ची को, उसमें हमें पाउडर मसाला ऐड करना है। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर आधा चम्मच और नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल को ऐड कर लिया है। तेल गरम होने के बाद हमें इसमें 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई को ऐड करके तड़कने के बाद इसमें हम मसाला डालकर अच्छे से इसे भून लेंगे। जब हमारा मसाला भून जाए तो हम इसमें सेंगदाने का जो पाउडर हमने ग्राइंड करके लिया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से भूनने के बाद ये फ्राई की हुई जो भिंडी है इस मसाले में डालकर हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। लीजिए, हमारी ये मसाला भिंडी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर लाइक